निकल चुका है बिल्डिंग से, जिसमें से चार लोगों की मौत कंफर्म हुआ है, बाकी लोगों की इलाज चल रही है केजीएमसी में और लोकबंधु हॉस्पिटल में, और बाकी लोग जो इसके अंदर ट्रैप होंगे उनके आंकलन करके और उसकी रेस्क्यू कार्य में सभी एजेंसी जुटा हुआ है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नगर निगम प्रशासन सभी एजेंसी मशीनों के साथ लगे हुए हैं, ड्रोन रडार वगैरह यूज करने की कोशिश कर रही है जिससे कि हम लोग लोगों को डिटेक्ट कर पाए। बाकी सभी एजेंसी रेस्क्यू वर्क में जुटी हुई है। वो अभी इस स्टेज में सोचा नहीं जा रहा है, सबसे पहले हम लोग रेस्क्यू कार्य हो जाए उसके बाद फिर उसका आंकलन करें। इसमें नीचे लेवल पे एक मोटर कंपनी थी, फिर पैकेजिंग का वर्क था और फर्स्ट फ्लोर में ड्रग वेयर हाउस था जैसे पता चल जा रहा है। इस घटना का तत्काल संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है और उच्च अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया है ताकि सभी विभाग जो रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हैं उन सभी का बेहतर समन्वय करा करके रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। सभी विभाग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज, नगर निगम, बिजली विभाग, मेडिकल विभाग, ये सभी रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अभी तक जो कोलैप्स बिल्डिंग है इसमें दो तरफ से पैसेजेस बनाए जा चुके हैं जिनसे लोगों के रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कुल 24 व्यक्तियों को अभी तक जिंदा रेस्क्यू किया गया है और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु भी इस घटना में हुई। कितने लोगों को सर अभी तक टोटल रेस्क्यू किया गया, उसमें लेडीज हैं, जेंट्स हैं? कुल 24 लोगों को लिया को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और 4 अन्य लोग की डेड बॉडीज निकाली गई है। सर अभी कितने लोग बचे हैं अंदर? अभी इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है और रिलीफ और रेस्क्यू पूरा होने पर भी इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। सर जो कितने लोग हैं जानकारी थी उसमें कितने लोग थे अंदर? ये अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस पूरे बिल्डिंग के बारे में समग्र जानकारी नहीं दे पा रहा है, लेकिन अभी अंदर लोगों के फंसे होने की बात हमारी रेस्क्यू टीम्स बता रही हैं और जो भी व्यक्ति अंदर फंसा है पूरी बिल्डिंग को सर्च करके, पूरी डिमोलिश बिल्डिंग को सर्च करके और उसमें जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाल लें और उन्हें बेस्ट इलाज देने की कोशिश की जाए।